गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री का जो अगला पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के। तो अम्ल व क्षारकों की समानताएं, तो सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षार हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जब कोई अम्ल या क्षार में जल मिलाया जाता है तो ये तनुकृत मतलब डाइल्यूट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अब क्षार और जल की जो प्रबलता है देखा जाए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये, देखिए आप लोग ध्यान से थोड़ा। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इसकी संख्या पर निर्भर करती है। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसे बोला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यह सूचक या इंडिकेटर किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करती है, जिसको हम पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं। तो जो पीएच स्केल है देखिए 1 से 14 तक उसमें बने रहते हैं। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो हम इस तरह से ऐसे बनाएं, अगर तो बीच में 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 इस तरह से बने होते हैं। तो जो 7, 7 अगर 7 है आता है, अगर किसी का जो पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो वो अम्ली विलयन होगा, और किसी विलयन का मान 7 से ज़्यादा है मोर देन 7 तो वो क्षारीय विलयन होगा। वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है ये ठीक है। यानी 0 से 14 तक पीएच याद किया गया है, इधर जैसे जैसे हम 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 बढ़ते जाएंगे अम्ल होता जाएगा, और 7 से 8, 9, 10, 11, 12 इधर बढ़ते जाएंगे तो क्षार होता जाएगा यहाँ पर। तो अगर समझ लीजिए, मान लीजिए अगर कोई अम्ल है, अगर कोई सोल्यूशन है उसका मान 6 है तो वो प्रबल अम्ल होगा। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसका मान 0 है या 1 है तो वो दुर्बल अम्ल होगा ठीक है। तो इस तरह से जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल में आते हैं, स्ट्रांग एसिड इसे बोलते हैं। और दूसरे जैसे एस्टिक एसिड है ये और कार्बोनिक एसिड है, ये सब वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका पीएच कम होता है और इनका पीएच ज़्यादा होता है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा अगर किसी सोल्यूशन या किसी विलयन के मान हो तो ऐसे 8, 9, 10 तो वो सब अम्ल नहीं होंगे, 7 से ज़्यादा वाले क्षार होंगे। तो अगर किसी अम्ल का मान जो है 12 हो, 14 हो तो वो क्या है, प्रबल क्षार होंगे। 8 हो, 9 हो, ये सब क्या होंगे, ये सब दुर्बल क्षार होंगे यहाँ पर। तो उसी तरह से 7 से आगे हम बढ़ते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये अम्ल बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है वहाँ पर है? और इधर से हम बढ़ते जाएंगे 7 से इधर तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति है अंत तक 1 से 14 तक। नहीं, हमने एक चीज़ इसमें आप थोड़ा सा फिर क्लियर कर दूं, जो प्रबल अम्ल है उसका जो है पीएच वैल्यू जो है कम होगा, और जबकि दुर्बल अम्ल का पीएच वैल्यू देखा जाए तो ज़्यादा होगा। जैसे 7 है
कोई ऐसा विलयन हो उसका पीएच वैल्यू 6.5 हो, 6.6 हो या 6 हो, तो वो हल्का अम्ली कहा जाएगा, यानी वीक एसिड कहा जाएगा। और 1, 2, 3, 1, 2 जी इस तरह से हो वो प्रबल अम्ल कहा जाएगा। थोड़ा सा इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो उदासीन, ये उदासीन है, तो सात उदासीन है, सात अगर कहा है तो न वो अम्ली है ना वो क्षारी है। दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है, पौधों और पशु पीएच के प्रति जो संवेदनशील होते हैं, हमारा शरीर 7 से 8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, जबकि वर्षा का जल का मान जो होता है 5.6 से कम होता है, तो उसे अम्ली वर्षा कहा जाता है। मिट्टी का पीएच भी अगर उसका पीएच 7 से कम होता है तो अम्ली अम्लीता के अंतर्गत आएगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीयता के अंतर्गत आएगा। तो अम्ली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसका हमेशा किसान समय समय पर जांच कराते हैं और उसको क्षारीय बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के रसायन को मिलाया जाता है। हमारे पाचन तंत्र में, स्टमक में ये भी अम्ल पाया जाता है, जो कि HCl के रूप में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में होता है, जो बाहर से गए खाद्य पदार्थों और को सड़ने से रोकता है, और उसमें आए हुए जो फॉरेन बैक्टीरिया, यानी फॉरेन बैक्टीरिया मतलब बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को वो मारता है। जब मेरा कभी गला जलने लगता है, सीने में जलन होने लगती है, तो इसके मतलब कि हमारे अंदर एसिडिटी यानी अम्लता की मात्रा बढ़ी है, तो उसको हम क्या करते हैं, खाने वाला सोडा या एंटासिड दवा लेते हैं, यानी हम छार लेते हैं, कहने का मतलब। तो जब हम